वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज की रेसिपी है आम का छुंदा या आम का चटपटा लच्छेदार अचार। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इसे बनाकर आप 1 से 1.5 साल तक यूज कर सकते हैं। यह अचार खराब नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बिना गैस चलाए बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो आम। इसे धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया है और कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लिया है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। उसके बाद किसी पीलर की सहायता से इसको छील लेंगे। सारे आम को छीलने के बाद इसे किसी कद्दूकस की सहायता से कद्दूकस कर लें। देखिए, इस तरीके से मैंने सारे आम को कद्दूकस कर लिया है। अब इसका मसाला देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 1.5 किलो आम के लिए करीब 700 ग्राम चीनी लिया है मैंने। अब कद्दूकस किए हुए आम में अजवाइन, कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक दूसरे बर्तन में या सेम बर्तन का ही यूज कर सकते हैं। इसमें 1 लेयर चीनी फैलाएं। अब इसके ऊपर 1 लेयर कद्दूकस किया हुआ आम फैलाएं। एक बार चीनी का लेयर लगाएं और एक बार आम का लेयर लगाएं। इस तरीके से सारे आम को फैला लेंगे। देखिए, इस तरीके से सारे आम को मैंने फैला लिया है। इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। अब इसे एक कपड़े से ढक दें और इसे 5 से 6 दिन तक धूप में 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे। इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, डेली इसे 1 से 1.5 घंटे ही धूप में रखना है। करीब 5 दिन हो चुके हैं, अब इसे देख लेते हैं। देखिए, आप चाहें तो ऊपर से इसका हल्का सा पतला सा लेयर हटा सकते हैं। वैसे इसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का लेयर हल्का सा सूख जाता है धूप से। अब इसे मिक्स करके देखते हैं। देखिए, चीनी अच्छी तरह घुल चुका है। आप चाहें तो इसे 2 दिन और धूप में रख सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यह अचार 1 से 1.5 साल तक आप यूज कर सकते हैं। यह खराब नहीं होता है। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि अचार खराब हो सकता है, तो इसमें 2 चुटकी साइट्रिक एसिड का डाल दें। यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वैसे इसमें मैंने साइट्रिक एसिड नहीं डाला है। आप चाहें तो साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे बहुत ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 2 चुटकी ही डालें।
अब इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप 1 से 1.5 साल तक यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है ये। एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, इसे पूड़ी पराठे या किसी भी स्नैक्स के साथ आप सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर क्लिक करें जिससे सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आप देख सकें। थैंक यू।